इन भाइयों का संक्षिप्त परिचय मैं देता हूँ। सबसे पहले मैं सुरेश भाई का परिचय देता हूँ। सुरेश भाई लौकिक में आंध्र प्रदेश बेंगलोर से निकले हैं, ज्ञान बेंगलोर से मिला है और आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं, और ये करीब 35 वर्षों से ईश्वरी ज्ञान मैंने धारण कर रहे हैं और करीब 25 सालों से ये बाबा की समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। और रामकिशन भाई लौकिक में उत्तर प्रदेश बलिया से निकले हुए हैं और ये भी करीब 30 सालों से ज्ञान में और करीब 26 से पहले 26 सालों से ऊपर करीब करीब समर्पित हैं। और सीधा मैं टॉपिक पर आता हूँ। इनसे सबसे पहले रामकिशन भाई से मैं क्वेश्चन करूँगा, आप कल आप बाल्यकाल से किस परिवेश में अपना समय बिताए हैं और एवं बाबा कैसे मिला रामकिशन भाई जी? ओम शांति। परिचय तो बहुत अच्छा दिया इन्होंने, और जहाँ तक बाल्यकाल की बात है, लौकिक में हमारा जीवन भी अच्छा ही था, ख़राब नहीं था। और लौकिक में परिवार में लोग गलत बोल रहे हैं, आप तो हंस रहे हैं, लौकिक में मेरा परिवार पूरा शाकाहारी था और लौकिक में हम खेल बाल में बहुत कम विश्वास करते थे, घर में ज़्यादा व्यस्त रहते थे कारोबार में। और लौकिक में एक उदाहरण बताऊंगा आपको जिससे आप समझ जाएंगे जीवन कैसा था मेरा। एक कक्षा 6 की बात है, तब हम कक्षा 6 मॉनिटर थे और हमारा जो कक्षा था उसमें आधा बहनें पढ़ती थी आधा भाई पढ़ते थे हमारे स्कूल में। तो जब शोर होता था तो बहनें अपना नाम लिखती थी, हम भाई अपना नाम लिखते थे, कितने शोर किए टीचर बताते थे हम लोग। तो बहनों ने शोर किया, हमने नाम लिख लिया, भाइयों ने शोर किया, बहनों ने नाम लिख लिया। तो टीचर आए तो बोले कितने लोगों ने शोर किया, आवाज़ क्यों कर रहे हैं आप लोग क्लास में? तो बहन ने कहा इतने भाइयों ने शोर किया है। तो उनके इतने बहनों ने शोर किया है। तो भाई लोग पूछते हैं आप बहन क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा क्यों बहन क्यों न कहें हम, हमारी बहन पढ़ती है, आपकी बहन पढ़ती है, सबकी बहन पढ़ती है। तो आप जिस पर्पज़ से बोल रहे हैं कि भाई आपका जो दृष्टिकोण है कि भाई एक के कारण सारे के प्रति हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाए, अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरा जीवन था, मतलब बचपन से ही मैंने किसी बहन से बात नहीं करना है, किसी बहन को देखना नहीं है, ये संस्कार में था। और घर में भी जो मेरे माँ बाप थे अच्छी तरह पाले वाले थे, लेकिन ठीक थे हम, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था, मध्यवर्गीय परिवार था। और जब हम कॉलेज में आए पढ़ने के लिए तो बलिया पढ़ने आए, तो बलिया में 1990 में पढ़ने आए और इंटर करके जब पढ़ने आए तो हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, संस्था कुछ पता नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था हमको। और एक मेला लगता हमारे यहाँ बलिया में, ददरी मेला करके कहा जाता है, दरदर ऋषि के नाम से फेमस मेला है। तो उस समय हम पढ़ रहे थे, पता था ब्रह्मा कुमारी यहाँ ज्ञान देती हैं, तो जो मेरा विषय था वो था इंग्लिश ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर चिंपैंजी थे, हमको ये अच्छा लगता था कि हमारे पूर्वज बंदर चिंपैंजी, क्योंकि हमारा शक्ल तो बंदर जैसा है नहीं। फिर फर्स्ट ईयर का हमारा रिजल्ट निकला तो संजय भाई यहाँ बैठे होंगे, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। संजय का जो विषय था वो था इंग्लिश ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, हमारा इंग्लिश ज्योग्राफी फिलोसफी, इंग्लिश ज्योग्राफी फिलोसफी संजय का था, मेरा इंग्लिश ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स था। तो हम पहली बार मेले में गए थे घूमने के लिए, घूम के आए थे तो संजय घर गए थे, संजय घर में चित्र लगा हुआ था सारा, बाबा का चित्र लगा हुआ था। तो मैंने कहा, तो संजय भाई ने पानी उन्हें पिलाया हमको, फ़ोटो देखा मैंने, अच्छा लगा। मैंने कही तो मैंने सपने में देखा ये जो बाबा हैं ग्लोब पर बाबा का झंडा लहरा रहा है, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। और फिर
हम चले गए कमरे में, अपना पढ़ना शुरू कर दिया। तो दूसरे दिन संजय भाई हमको कॉलेज में मिले, कहते हैं आप थोड़ा संस्था में चलेंगे। मैंने कहा कि कौन सी संस्था में? ब्रह्मा कुमारीज में, देखेंगे। कहा नहीं नहीं 12 तारीख को, 12 नवंबर को एक प्रदर्शन लग रहा है, उसका उद्घाटन DM करेंगे, आप आइए। जरूर आएंगे, नहीं गए। फिर उसके बाद मेला देख के आ गए थे, तो ऐसे फिर कॉलेज पढ़ने आए। संजय को स्कूटर बिठा के आश्रम लेके चले गए, और बहनों को उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के मेधावी छात्र हैं। और पहले जाते ही बहनों ने दूसरे दिन शॉल गिफ्ट किया, अच्छा लगा। फिर मैंने पूरा कोर्स किया, तब पर फिर उसके बाद कोर्स करने के बाद मुझे निश्चय हुआ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हमने 84 जन्म लिया है, और मुझे 84 में फिर संस्कार धारण करने हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं श्री लक्ष्मी नारायण हैं। फिर वहाँ से मेरा ज्ञान शुरू हुआ, फिर मुरली शुरू हुआ, फिर बाबा का बन गए। ओम शांति। वैसे सुरेश भाई जी का भी वही क्वेश्चन है कि आप बचपन में किस परिवेश में जीवन बिताए हैं और कैसे ज्ञान बाबा का मिला है? ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है कल्प माफिक, पिछले कल्प में भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था, अभी हो रहा है, कल्प कल्प होते रहेगा। जैसा कल्प पहले ऐसा ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार से मिलने का सौभाग्य मिला है। सभी को धन्यवाद। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया जो भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा साउंड डिपार्टमेंट वाला माना माइक देने के लिए आते हैं। आज माइक लेके आप लोगों का थोड़ा दिल की बात शेयर करने का अवसर मिला है। हमारा बचपन बहुत बोला था, बचपन में मैं बहुत बोला बाला था, और गांव में रहने वाला, छोटा गांव नहीं, थोड़ा बड़े गांव था, फिर भी बहुत बोला बाला था। तो दो घटना सुनाऊंगा, थोड़ा माहौल को हल्का हंसी में लेके आऊँगा। इतना बोला आपको मालूम पड़ेगा, 10वीं कक्षा तक बहुत ही दुनिया क्या है मालूम नहीं, पढ़ाई अच्छा पढ़ते थे, 10th क्लास में भी 10वीं कक्षा में भी नंबर 1 थे, लेकिन बहुत बोला था। जैसा रामकृष्ण भाई ने बताया ना, बहनों को बात करने के लिए संकोच होता था, डर भी लगता था बहनों से, बहुत अजीब जैसा लगता था। बचपन से ऐसा ही था। एक घटना बता दूँ, 9वीं कक्षा में थे मैं, उस समय एक बहन थी, वो बहन थोड़ा ओपन माइंडेड वाली थी। जैसा कक्षा शुरू होने के पहले सभी हम उपस्थित हो जाते ना कक्षा में, जैसे मैं कक्षा में प्रवेश द्वार से प्रवेश होता हूँ, वो बहन नाम सहित मेरे को बुला के गीत गाती थी, हंसी मजाक करती थी सभी के सामने, क्योंकि मैं ऐसा बोला बाला था, मेरे को डर भी लगता था, शर्म भी आता था। फिर एक बार मैं टीचर को भी कंप्लेंट कर दिया, देखो टीचर को बता दिया ऐसा ऐसा ये बहन है, मेरे को हंसी मजाक करती है सभी के सामने, मेरे को शर्म आता है, आप कैसा बच्चा है भाई? भाई बहनों से डरना चाहिए, भाई बहनों को डराना चाहिए, आप खुद डर रहे ऐसा। टीचर भी मेरे को डांटा, फिर बहन को भी थोड़ा समझाया, वो थोड़ा बोला बाला है, आप थोड़ा उनको ऐसा नहीं करना है। फिर भी वो बहन ऐसा ही हंसी मजाक करती रहती। 10वीं कक्षा में भी वो साथ में थी, अभी वो बहन भी ग्राम सरपंच है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी 10वीं कक्षा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, भाई बहने हैं, एक एसोसिएशन बनी है अभी भी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ अभी भी। जनवरी मास में सभी मिलते हैं, सोशल समाज सेवा करते हैं, आई ऑपरेशन कराते, बेंगलुरु से डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हमारा गांव में आजू बाजू छोटे छोटे गांव में सभी को इकट्ठा करके टेस्टिंग करा के आई ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु लेके जाना, फिर उनको वापस ले आना, सभी व्यवस्था एसोसिएशन करते हैं। एक बार मैं भी गए थे, सभी से मिले, वो बहन भी आई थी। वो बहन मेरे को देखा, सभी शाम को प्रोग्राम पूरा होने के बाद सभी गेट टुगेदर होता है, सभी थोड़ा अपना अनुभव कुछ शेयर करना होता है,
मैं एकदम माइक लेके एकदम आराम से बात कर, कोई बात करने के लिए भी हिम्मत नहीं होता था कई लोगों को, माइक पकड़ने के लिए भी डर लगता था उनको। मैं आराम से माइक पकड़ा, बाबा का संदेश दिया, मैं क्या हूँ कैसा हूँ बहुत बताया उनको, बाबा का मैसेज का DVD भी बांटा सभी फ्रेंड्स को, इस प्रकार का से। वो बहन लास्ट में बोलते हैं, सुरेश भाई आप पहले कैसे थे बचपन में, अभी कितना परिवर्तन हो गया, बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा लगा आपका जीवन को देखो, हमको भी इस प्रकार का जीवन बनाने की प्रेरणा आ रहा है, थोड़ा आप गाइडलाइन देते रहना आगे का भी ऐसा। अभी ग्रुप वो ये बता रहा हूँ, आधा प्रश्न का ही समाधान दूंगा, नेक्स्ट प्रश्न का समाधान उस ज्ञान में कैसे आए मधुबन में बाबा से, वो दोनों मिला के मैं बता दूंगा। ये बचपन का जो बोलापन का है ये बता दिया है। ओम शांति। रामकृष्ण भाई जी के, प्रथम बार आप मधुबन में कब आए, आना हुआ और बाबा से प्रथम बार कब मिलन कैसा रहा है? पहली बार बाबा से मिले 93 में आए थे और घर का परमिशन नहीं था और बाबूजी हमको पढ़ाने लाए थे बलिया में, तो हम पढ़ते थे पर बाबूजी कहा मैं बाबूजी मामा बाबू घूमने जा रहा हूँ, पैसा नहीं दिए थे हमको। तो आपको पता है कि हम एक छात्रवृत्ति परीक्षा होती है 8वीं कक्षा में, तो उस थ्रू हमको परीक्षा पास तो नहीं हुए थे लेकिन अन्य कास्ट की छात्रवृत्ति हमें मिली हुई थी, तो हमारे खाते में 5000 रुपये थे और उसका मैंने कपड़े बनवाए और माउंट आबू आए। और जब आए तो पहली बार 93 में जब ओम शांति बाबा से मिले तबीयत तो मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा बाबा को मुझे देखना है, मेरे लक्ष्य था कि मैं बाबा को भगवान को देखूंगा इन आँखों से। तो मैंने देखा कि एक ज्योति ऊपर से आ रही है और दादी में प्रवेश किया और मुझे सिर्फ इतना याद है कि बाबा ने मुरली चलाया था कि स्नेही बच्चे 3 प्रकार के होते, एक स्नेह में समाने वाले, करने वाले और निभाने वाले। तो मैंने कहा बाबा मैं समाने वाली आत्मा हूँ, और फिर गंगा यमुना बह रहा था और बस इतना ही मुझे याद है, उसके बाद बाबा से मिलकर हम चले गए थे। ओम शांति। और सुरेश भाई जी से भी वही क्वेश्चन है कि भाई आप फर्स्ट बार कब मिले और अनुभव क्या रहा? पहले प्रश्न का आधा प्रश्न का समाधान और बाबा से कैसे मिला दोनों मिला के मैं बता दूंगा ज्ञान में कैसे आया। इसके पहले थोड़ा फैमिली का बैकग्राउंड संक्षिप्त में बता दूंगा। हमारा लौकिक माताजी बहुत भक्ति करती थी, धार्मिक परिवार था, पिताजी का स्वभाव थोड़ा गुस्सा वाले का था और बड़ा परिवार था। कैसे, हमारा पिताजी को 2 शादी है, पहले पत्नी का 5 बच्चे थे, दूसरा पत्नी 3 बच्चे, पहले पत्नी शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शादी किया, वो माताजी के हम बच्चे हैं 3 बच्चे, टोटल 8 बच्चे थे। जब माताजी घर पे आए थे 8 बच्चे, पिताजी और सास ससुर 12 लोग थे घर पे। इन सभी को संभालना, पालन पोषण देना, पहले 5 बच्चों को, हम 3 बच्चों को, बहुत शक्ति चाहिए उसके लिए। और पिताजी गुस्से वाला था, छोटी छोटी बातें में माताजी को गुस्सा करता था। माताजी बहुत भक्ति के शक्ति के कारण कोई डरता भी नहीं था और भक्ति में भी बहुत विघ्न डालता था पिताजी, भक्ति में ना हठ योग करता था, जप करता था, प्राण ये ध्यान में जाते थे। मेरे को अभी भी याद है माताजी ध्यान में पराशक्ति का ध्यान करती थी, देवी देवताओं सभी को पूजा करती थी लेकिन पराशक्ति का ध्यान में बैठती थी। मैसेजेस आता था माताजी को, मैसेज आता था और ध्यान में रहते वो मैसेज सुनाती थी, हम लिखते थे, ऐसा 2 किताब हम लिखे थे। माताजी बहुत ऐसा पूरा, वो पूरा शब्द, हर शब्द ज्ञान युक्त था, लेकिन जैसा पंडित जैसा होता है ना, ज्ञान तो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, कोई आचरण में भी नहीं है। भगवद गीता भी पढ़ते थे और पिताजी भगवद गीता कंठस्थ करते थे, इतना स्पष्ट सुनाते थे संस्कृत में और अर्थ सहित कितना स्पष्टीकरण बताते हैं, लेकिन आचरण नहीं, गुस्सा भी करते थे। इस प्रकार का घर में माहौल था। माताजी एक बार, माताजी और पिताजी दूसरे शहर में, और हमारा बुआ जी थी, बुआ जी से मिलने के लिए गए थे दूसरे शहर में, उसी शहर में सेंटर था, हमारा गांव में सेंटर नहीं था। फिर अचानक ही ऐसा मिलन हुआ, वो बुआ जी सेंटर नहीं जा सकती थी,
कारण थोड़ा बंधन के कारण टीचर बहने आके मुरली सुनाना योग कराना सब करती थी। फिर उसी अचानक ये माता पिता भी वो टीचर बहन से ब्रह्म कुमारी बहन से मिलना हुआ, थोड़ा ज्ञान सुना, उनको भी अच्छा लगा, फिर निमंत्रण दिया पिताजी माताजी हमारा गांव में आइए, हमारा गांव में भी ये सेवा शुरू कीजिए। फिर आया हमारा घर में, वो लोग अलग से भोजन बनाते थे और हमारा घर के बाजू बाजू में धर्मशाला था, धर्मशाला में प्रदर्शनी लगाई थी, सबको समझाना, ऐसा शुरुआत हो गया वहाँ सेवा हमारा गांव में। एक बार मेरे को बुलाया था प्रदर्शनी, ब्रह्म भोजन रखा था सद्गुरुवार के दिन, वो सब कुछ भी मालूम नहीं ब्रह्म भोजन क्या होता है, लेकिन अच्छा लगता था क्योंकि माताजी जब से इसमें ज्ञान मार्ग में चलना शुरू किया माताजी के फेस में बहुत परिवर्तन आया, जो मन में जो भारीपन था वो कम हो गया, क्योंकि भारीपन इसलिए दो बच्चे भी गुजर गए थे, एक भाई एक बहन, पहले उसी का भी दुख था, ज्ञान में आने के बाद वो सब थोड़ा फेस करने के लिए वो ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति मदद की और भक्ति करती थी पहले से, लेकिन ज्ञान आने के पूरा स्पष्ट हो गया ज्ञान क्या है भक्ति क्या है। इतना भक्ति करने वाला माताजी ज्ञान में आने के बाद तुरंत भक्ति समाप्त हो गया, रोज सेंटर भी जल्दी खुल गया गांव में। ऐसा धर्मशाला में बुलाया था एक बार मेरे को, पूरा प्रदर्शनी समझाया था मैंने, आधा घंटा समझाया, बिल्कुल एक पॉइंट भी बुद्धि के अंदर नहीं गया ब्रह्म भोजन खा के मस्त घर पे आ गया। फिर कोई माताजी को सपोर्ट करता था, पिताजी भी चलता था, लेकिन इतना संपूर्ण निश्चय नहीं था पिताजी को। 1983 में हमारा गांव में सेंटर ओपन हुआ, 84 में माताजी पिताजी बाबा से मिलने के लिए आए था, बाबा से मिल के गया। फिर हमारा नानी माँ है वो भी ज्ञान में चलती थी, अच्छा लगता था, इतना गहरा ज्ञान की अनुभूति नहीं है लेकिन श्रद्धा भावना विश्वास होता है ना भगवान के प्रति, इस प्रकार का वो भी बाबा से मिलने के लिए संकल्प माताजी को बताया। फिर कैसे भेजे, थोड़ा बुजुर्ग भी था नानी माँ। फिर मैं बिजनेस करता था, हमारा बड़े भाई सेपरेट होके बेंगलुरु चले गया और कमाई करने के लिए, जो दुकान चलता था वो दुकान मेरे को सौंप दिया, वो अपना पार्ट अपना शेयर लेके बेंगलुरु चले गया, मैं दुकान चलाता था, मेरा लक्ष्य एक ही था पैसा कमाना, खूब कमाना, पैसा कमाया माना पैसा आए तो समाज में हमारा मान हो शान हो, ऐसा लक्ष्य था। फिर इस प्रकार का चल रहा था, माताजी ने क्या किया मेरे को टूरिस्ट इंटरेस्ट बढ़ा दिया, नानी माँ के साथ मेरे को भेजा, कुछ भी ज्ञान नहीं था आत्मा परमात्मा का, बिल्कुल जीरो, कुछ भी ज्ञान नहीं, आप माउंट आबू में जाना, दिलवाड़ा मंदिर है, ये है नक्की झील है, बहुत इंटरेस्ट टूरिस्ट इंटरेस्ट बढ़ा दिया। फिर जब मैं जा रहा था पिताजी को डर लगा, ये जा रहा है वो ब्रह्म कुमार में फंस जाएगा, शादी नहीं करेंगे, बहुत झगड़ा किया पिताजी, क्योंकि इतना निश्चय नहीं था पिताजी को। मैंने बोला ऐसा कोई बात नहीं, सब शादी करेंगे, हमको क्या है, उधर जाके टूरिस्ट जैसा हम देख के आना, और कोई बात नहीं, आप डरना नहीं, ऐसा पिताजी को समझा दिया, दुकान का जो जो कार्य करना है सब बता के मैं नानी माँ के साथ ट्रेन में आ गया। ट्रेन में भी क्योंकि हमको एक प्यार के भूखे थे, क्योंकि परिवार ऐसा था ना, घर पे ऐसा कोई प्यार की अनुभूति नहीं था, बहने इतना आत्मिक प्यार रूहानी प्यार दिया, ट्रेन में भी कोई ज्ञान नहीं समझाया मेरे को, पालना अच्छा दिया। फिर सीधा मधुबन में आया, हर क्लास अटेंड किया मैंने, हर क्लास ट्रांसलेशन भी लिखा, नॉलेज बिल्कुल कुछ भी नहीं, पता नहीं मेरे को इतना हल्कापन, उमंग, गुस्सा, वहाँ की सेवा करने वालों की सेवा भावना, वाइब्रेशंस, मधुबन की हर पत्ते हर फूल मेरे को स्वागत कर रहे, बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस हो रहा था। फिर जिस दिन बाबा का मिलन होता, वो बाबा का मिलन भी मेरे को मालूम नहीं था बाबा से ऐसा मिलना भी होता है, लेकिन सभा में बैठा था, फिर बाबा की 15 मणि गुलजार दादी के तन में हुआ था, मेरे को एक साक्षात्कार हुआ कृष्ण का साक्षात्कार, जैसा बाप दादा मुरली चालू किया श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुना रहा, इस प्रकार का फीलिंग और पावना पावरफुल वाइब्रेशंस का फीलिंग हो रहा है, एकाग्रता एकदम पावरफुल एकाग्रता, मन बुद्धि इधर उधर भी नहीं, आंख भी इधर उधर नहीं देख रहा था, इस प्रकार का। फिर बाबा से पर्सनल मुलाकात 1985 में सेंटर की ग्रुप भाई बहनों से बाबा मिलते थे, दृष्टि देते थे, टोली देते, वरदान देते हर एक को, हर एक को। मैं भी आया,
मेरे को पहले से स्थिति बहुत अच्छी थी, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छा था, फीलिंग भी अच्छा था, हल्कापन था। बाबा से, बाबा ने पावरफुल दृष्टि दिया, टोली दिया, वरदान दिया। वरदान क्या दिया अभी याद भी नहीं, वो हिंदी नहीं आता था ना। फिर घर वापस घर गया। घर जाने के बाद भी मैं सेंटर नहीं गया, कोर्स किया ही नहीं, 7 दिन का कोर्स को वो भी मालूम नहीं था भाई, इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए 7 दिन कोर्स करना पड़ता है, नियमों में चलना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, सिनेमा थिएटर में नहीं जाना पड़ता है, होटल में नहीं खाना पड़ता, ये सब कुछ मालूम नहीं था। फिर घर आया, बिजनेस तो चालू था, बिजनेस भी करता था। घर में एक किताब था, ये 7 दिन का कोर्स, चित्र प्रदर्शनी होते हैं ना, वो मालूम नहीं वो 7 दिन का कोर्स ही है, लेकिन वो किताब एक बार उठाया, पढ़ना शुरू किया, पहला लेसन आत्मा का पढ़ा, एकदम बुद्धि में स्पष्ट हो गया। फिर ऐसे एक एक लेसन पढ़ता गया, पूरा स्पष्ट तो हो गया, निश्चय भी हो गया, जो महाभारत रामायण हुआ ये सब कहानियाँ है, एकदम बुद्धि में ऐसा स्पष्ट। और मैं सेपरेट, और एक छोटे भाई है, उनका कपड़े का दुकान है, वो कपड़े का दुकान में मैं रात को जाके अलग सोता था, वहाँ ये पढ़ाई पढ़ना और योग भी करता था। एक छोटा चित्र है, फ्रेम शिव बाबा, अभी भी है मेरे पास, अभी 60 बता देता हूँ, 60 का वो चित्र सामने रख के योग भी करता था। इस प्रकार का हम ज्ञान में आना शुरू हो गया। फिर सवेरे मुरली क्लास में भी जाते थे, शाम को भी ऐसा शुरू हो गया। पिताजी ज्ञान से दूर हो गया, बहुत विघ्न भी डालता रहा, लेकिन माताजी के सपोर्ट के कारण हम निर्विघ्न ज्ञान में चलता रहा, बिजनेस भी करता। ज्ञान में आते ही सफ़ेद ड्रेस बैज, कहीं भी जाओ सफ़ेद ड्रेस बैज से बिजनेस खरीदारी करना, कहीं भी हो, इसमें इस प्रकार का ज्ञान मार्ग भी हो गया, बाबा से मिलना भी हो गया। ओम शांति। बहुत अच्छा। अब रामकृष्ण भाई जी से एक सवाल है कि ऐसा कोई संस्कार, स्वभाव संस्कार ज्ञान में आने के बाद परिवर्तन हुआ हो, उसका अनुभव सुनाए। 25 साल पहले वाले रामकृष्ण आज के राम से बहुत अंतर हो गया है। जीवन में तो कोई अंतर क्या कहेंगे, मतलब पहले शाकाहारी थे ही थे, यहाँ भी शाकाहारी हुए। और दूसरा कि बाबा ने थोड़ा जैसे कि कम बोलना सिखाया, संस्कारों में जहाँ तक बात आती है, हम अपने चेकिंग कर लेते हैं कि मैं अपने संकल्पों को देख सकता हूँ कि मेरे संकल्प क्या चलते हैं, मेरे बोल कितने खराब हैं या बुरे हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। पहले ये चेक कर नहीं पाते थे, और पहला ऐसा था कि जैसे चाहे वैसे बोल दिया, जैसे चाहे वैसे देख लिया, जिसके प्रति जैसा चाहे वैसा, वैसा अब नहीं है। अब वो कंट्रोलिंग है जीवन में कि हम जब चाहेंगे जैसा चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये अंतर आया है। और पहले जैसे कि जब बाबा का बने हम, तो ब्राह्मण जीवन की धारणाएँ तो हमें पता नहीं थी। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो एक अंग्रेजी में एक सेंटेंस आता था, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। तो हम पहले सोचते भाई यही एक जीवन है, जीवन में संघर्ष है, उसको फेस करिए, पास करिए। लेकिन बाबा का बनने के बाद एक और मैंने सीखा कि लाइफ इज स्ट्रगल, जो हमारा जीवन वो स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। और जीवन जैसे ब्राह्मण जीवन हमने बनाया, तो ब्राह्मण की जो विशेषता है, पहली विशेषता क्या है, पवित्रता, दूसरी शुद्ध खान पान है। तो इसमें अगर हम संघर्ष कर रहे हैं कि पवित्र बने हैं, तो पवित्रता में संघर्ष दृष्टि जा रही है, वृत्ति जा रही है, संकल्प चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा संघर्ष है। और दूसरा जो संघर्ष आता है औरों की तरफ से जो आता है, उसको हम फेस कर लेते हैं। तो जो अपना संघर्ष जीवन में होता है, उसको हमें खुद ही फेस करना होता है, ये जीवन परिवर्तन आया है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सुरेश भाई जी से कि आपका कौन सा स्वभाव संस्कार परिवर्तन हुआ, ज्ञान में पहले था, अब बाद में आने के बाद बाबा के समर्पित होने के बाद परिवर्तन हो गया। अभी जो प्रश्न का समाधान बहुत संक्षिप्त में देंगे, पहले थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया था। उमंग गुस्सा था ना। पहले मैं बहुत नाजुक स्वभाव था, छोटी छोटी बात में मूड ऑफ हो जाता था और मन डिस्टर्ब हो जाता था। अंदर बाहर तो रोते नहीं है, लेकिन अंदर मन रोता था बहुत। इस प्रकार का स्वभाव, बहुत कोमल स्वभाव, ऐसा स्वभाव था। जैसे ही ज्ञान में आया,
ज्ञान की शक्ति, परमात्म शक्ति, योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये सब शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण अपने अंदर वो स्वभाव को चेंज किया है। हर बात को सरलता से लेने का, सहनशील गुण धारण, सहनशीलता का गुण को धारण करने का, इस प्रकार का नाजुकपन का जो संस्कार है बहुत ही अभी थोड़ा थोड़ा है, पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो भी समाप्त करने के लिए, लेकिन बहुत अंत तक पूरा हो गया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रामकृष्ण भाई जी, आप समर्पित कब हुए एवं समर्पण होने का संकल्प कैसे आया कि हम भगवान पर कुर्बानी दे दें? जब हम बाबा से मिल के यहाँ से गए तो हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। फिर कॉलेज जो हमारे विषय थे, मन नहीं करता था पढ़ने के लिए, किताब दे के फेंक देते थे, नहीं पढ़ना है बाबा की पढ़ाई पढ़नी, क्योंकि हमारे मन में निश्चय हो गया कि हमें जीवन ये बनाना है, दैवीय संस्कार जीवन लाने हैं तो वो भी पढ़ना है। तो एक संकल्प बार बार टच होता था कि अगर जीवन श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा, संस्कार धारण करने पड़ेंगे। और संस्कार हमारे क्या हैं कि जो पवित्रता के संस्कार हैं, पवित्रता बहुत बड़ी परिभाषा है, पवित्रता में सतो प्रदान होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर हम सर्विस करते हैं, मेरे मन में ऐसा संकल्प आया। देखिए टचिंग कहते हैं, परिस्थितियाँ आती जाती हैं, व्यक्ति बदलता जाता है, बातें आती जाती हैं और चीन जीवन परिवर्तन होता जाता है। तो हम जब योग करते थे तो एक ही बात आता था संकल्प में कि संपूर्ण वो बनेंगे जो समर्पण हो जाएंगे, संपूर्ण वो बनेंगे। समर्पण क्या है मुझे नहीं मालूम था। तो जब हम गए दीदी के पास, दीदी मुझे समर्पण होना है, तो दीदी ने कहा समर्पण होना है तो अपने परिवार किसी से ले आइए आप। तो बाबूजी कहा, बाबूजी कहते हैं कि क्यों हम जाएंगे? तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ाते हैं, देख लीजिए क्या है संस्था। तो हम लोग जब सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने शाम गए, तो बाबूजी चलिए आश्रम पर, तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप मुझे फीस देते हैं? हाँ देते हैं। तो अगर मैं गुंडा बन जाऊँ तो क्या करेंगे आप? पहले पैर तोड़ दूंगा, आवारा बन जाओ तो भगा देंगे घर से। तो उन्होंने कहा देख तो लीजिए गलत है सही है, चलिए तो सही। बाबू जी को बहुत बहुत अच्छे लगे और आश्रम पर गए और ज्ञान में चल पड़े। तो फिर एक निर्णय हुआ कि मुझे ये जीवन जीना है, फाइनल हो गया। फिर मैंने कहा जब हम घर पे गए तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। तो उन्होंने कहा कि देखो अपने बेटों को ले जाके बांझ बना दिया, बाण बना दिया, बड़ा ख़राब लगा हमको, बांझ बाण समझते होंगे आप लोग। मैंने कहा ये कैसे? तो मैंने कहा कि मेरे कारण मेरे माँ बाप गाली खाएं मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं बलिया आया, मैं दीदी का, दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है। तो ये दो बातें हुई। और तीसरी बात हुई कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई की थी मैंने, तो एक जगह टीवी बनाने जाना था, मेरी दुकान पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो टीवी बनाने गए तो वहाँ एक माता थी, एक बेटी थी। तो टीवी बनाने तो पहले क्या करते हैं टीवी में, टीवी खोलते हैं, सर्किट चेक करते हैं, रेजिस्टेंस और आईसी वगैरह हिला के देखते हैं। तो मैंने रेजिस्टेंस हिलाया तो टूटा हुआ था, जोड़ दी मैंने, टीवी चालू हो गई, वापस दुकान पे आ गया। दुकानदार ने कहा कि आपने पैसा लिया? मैंने कहा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने? टीवी को टच करना 70 रुपया, बना के आना 150 रुपया। तो मैंने कहा मुझे लगा आपने भेजा होगा। तो कहते परिवार कैसे चलेगा आपका? तो मैंने कहा मेरा परिवार नहीं है, मैं कुमार हूँ, मैं पूरा जीवन कुमार रहूँगा। कहते अच्छा, माँ बाप घर में बहुत है संपत्ति, चला लेंगे वो लोग। इतना डांटा उसने, सिर्फ रोया नहीं मैं उस दिन दीदी के पास, कहा दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना है, नहीं रहना है। कहा अच्छा फिर जाओ। तो बनारस गया, भाई साहब छुट्टी लिया। तो ये प्रेरणा हुई कि मुझे समर्पण जीवन जीना है। और मैं मधुबन में आया तो सबसे पहले चाय बनाने की सेवा करी मैंने और वहाँ से फिर समर्पित हो गए। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश भाई जी से वही क्वेश्चन है कि भाई आप इतने बढ़िया से बिजनेस चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, फिर भी बाबा के घर में समर्पित होने, वो भी खास ज्ञान स्वरों में समर्पित होने का संकल्प कैसे आया है? ये भी बहुत वंडरफुल कहानी है, लंबा चौड़ा, लेकिन मैं एकदम संक्षिप्त में सार में आपको बता दूंगा। मेरे को जैसे ही ज्ञान में आया, फिर रोज़ रेगुलर मुरली भी पढ़ता था, मुरली भी सुनता था। रात को बिजनेस पूरा होने के बाद रोज़ सेंटर में जाके आधा घंटा योग करके फिर मैं अलग से कमरे में सोता था। ये सब नियम, पक्का नियम था, दो बार मुरली सुनने का, रात को
कंपलसरी आधा घंटा योग करके सोने का नियम था, और सेवा का उमंग उत्साह बहुत था। दो कुमार थे, तीन कुमार थे, मैं और वो दोनों कुमार पहले से सेंटर में सेवा में, कोई जोन के लेवल में सेवा में, वो लोग उस प्रकार सेवा में चले गए। मधुबन में बाद में समर्पित हो वो लोग भी, इस प्रकार का उमंग उत्साह, कभी प्रदर्शनी लगाते थे, कभी शिव मंदिर में प्रदर्शनी लगाते थे, पर्ची बांटते थे। हम हफ्ते में एक बार सद्गुरुवार के दिन शाम को पीस मार्च करते थे गाँव में, पूरा उसका बोर्ड तैयार करना, स्लोगन्स। उस समय भी साउंड डिपार्टमेंट था, एक टेप रिकॉर्ड लेते थे, उसमें बाबा का कैसेट का गीत डाल के स्लोगन्स गीत बजा के उमंग उत्साह से सबको संदेश देने का, ऐसा उमंग उत्साह। लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं होती थी, और माताजी भी बहुत उमंग उत्साह दे रहे थे, आप ना इधर का है ना उधर का है, पूरा आपका जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित होना चाहिए, आप मधुबन में समर्पित। मैं सुनता था, एक कान में सुनता दूसरा कान में निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा को ये विचार आता था, क्योंकि एक बार आया था मधुबन से एक भाई, मैं उनसे पूछा, भाई मैं मधुबन में समर्पित होना चाहता था, क्या है क्या सिस्टम है? भाई ऐसा कोई विचार नहीं करो, अब आराम से बिजनेस करो, माँ बाप को पालना करो, इधर अच्छा है, ऐसा कोई विचार नहीं करो। फिर कुछ समय के बाद और एक भाई आया था, फिर उनसे पूछा, पदम भाई आप जानते हैं पदम भाई को, हमारा गांव का वो भी कुमार, वो उनसे पूछा, नहीं अभी चांस है आप मधुबन में ज्ञान सरोवर 95 अभी अभी शुरुआत हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में खाली है, आप कोशिश करो हो जाएगा। सुना, लेकिन इतना अंदर से इतना हिम्मत नहीं आया, कारण क्या, एक तो बिजनेस से लगाव था, इतना ज्ञान होने के बाद कस्टमर से लगाव था, एक माँ बाप से प्यार कहो मोह कहो, उनकी पालना उनकी देखभाल करने का, हम ज्ञान में चल रहे पैसा कमा रहे, हर दो साल में मधुबन में आते थे जाते थे, लेकिन समर्पित होने का संकल्प नहीं आया। उस अब वो भाई बताने के बाद भी संकल्प नहीं आया। हमारा घर में एक कमरा था, बाबा का कमरा, मैं अलग से कमरा बनाया था घर पे फर्स्ट फ्लोर में, योग कर रहा था, फिर बाबा अचानक ऐसा, मैं हमेशा बाबा से बात करता हूँ, चित्र को नहीं देखता हूँ, लाइव स्वयं बाप दादा सामने है, ब्रह्म बाबा का ब्रुकुटी में शिव बाबा है, मेरे से बात कर रहे, फ्रेंडली बात करते थे, जैसे आप लोगों को जैसे देखते बात करते हैं ना, ऐसे भगवान से बात करते थे। बाप दादा से विचार आया, प्रेरणा आया, संकल्प आया, मेरे को सुनाई दिया, बच्चे अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आप एक कदम आगे बढ़ो, मैं 1000 कदम मदद करूँगा। मैं सिर्फ मधुबन आने जाने के लिए रिजर्वेशन किया था 95 में, पार्टी से आना वापस जाने का, कोई मधुबन में समर्पित। जैसा बाबा से वो आवाज़ आया, मेरे अंदर से एकदम ताकत आ गया, एकदम सब की प्रकार, हर प्रकार की जो लगाव थी ना, वो सब खत्म हो गया। फिर माताजी को विचार बताया ना, अरे बहुत अच्छा, मैं हूँ ना, मैं देख लेता हूँ, फिर ये मैं मधुबन जा रहा हूँ, इतना ही मालूम पड़ा था पिताजी को, वो मैं समर्पित होता हूँ कुछ भी मालूम नहीं। पिताजी ने पूरा घर पे झगड़ा चालू कर दिया, मधुबन जा रहा है, वो दुकान वो बंद करके दूसरे शहर में बहन का घर में चले गया, आप जानो आपका दुकान जानो। मैं पहले से तैयार था, दुकान मेरे को चाहिए नहीं, बिजनेस चाहिए करना ही नहीं है। एक तो माताजी की प्रेरणा था, दूसरा बाबा की प्रेरणा था, दूसरा तीसरा मेरा भाई लौकिक भाई, उनका शादी भी है, दो बच्चे भी है, लेकिन समाज से हम इतना खूब करता था, फैमिली को नहीं देखता, बिजनेस वो कपड़े का दुकान वो भी नहीं देखता था, चले जाता था। अरे उनको सब परिवार है, फिर भी इतना फ्रीली सेवा कर रहे, मैं क्यों नहीं करूँ? फिर वो भाई से भी प्रेरणा आया। चौथा प्रेरणा सेवा को उमंग उत्साह था। फिर आ गया मधुबन में, हिम्मत रख के बाबा मधुबन में ज्ञान सरोवर में डायरेक्ट आया। उतरते ही मैं एक भाई विश्वनाथ भाई ना दादी कॉटेज में, उनको मैंने विचार सुनाया इस प्रकार का, मैं समर्पित होने, अरे तुरंत समर्पित होने के लिए विचार कर रहे, पहले सेवा करो मधुबन में क्या होता है मालूम पड़ेगा नहीं आपको, इधर एक मास से ज़्यादा नहीं रखेंगे आपको, ऐसा बोला। ठीक है, मेरे को अंदर निश्चित है ना भगवान के ऊपर, मेरे ऊपर भगवान के ऊपर, परिवार के ड्रामा पर पूरा पक्का निश्चय, तो कुछ भी हो जाए कदम पीछे नहीं हटने, इस प्रकार का संकल्प किया। पहले दूध विभाग में सेवा किया 3.5 मास, उसके बाद इधर कैसेट काउंटर में भाई जी ने बुलाया, आप आ जाओ मैं रखूँगा आपको, सेवा भी ऐसा प्यार से करते थे, वो देखता था चाय बना के प्यार से देता था वो भाई को भी। फिर इधर आया, इधर ही ऐसा बाबा ने समर्पित करा दिया।
और पहली बार जब कपड़ा लिया था 8 मास में कपड़ा मिल गया था, उस समय ये नहीं था, इतना खुशी, इतना उमंग, स्वयं भगवान की घर में मेरे को कपड़ा मिल रहा है, पालना हो रहा है, इतना उमंग, गुस्सा, इतना खुशी, वो घटना को याद करते मेरा रोमांचित हो जाता है। ओम शांति। ये खुशी देख करके तो हम लोग को भी खुशी चढ़ जा रही है कपड़े मिलने का। अब रामकृष्ण भाई जी से कि आपके समर्पित होने से आपके परिवार में या आपके दोस्त मित्र और रिश्तेदार कितने लोग प्रभावित होकर के ज्ञान में आए या नहीं आए? मेरे समर्पित होने के बाद मेरे परिवार सब संबंध संपर्क में आए हैं और मधुबन में आके गए हैं लोग, उनको मेरा जीवन अच्छा लगता है, परंतु बाबा का बनकर अभी कोई नहीं है। शांति। सुरेश भाई से यही क्वेश्चन कि भाई आपके परिवार में ये भी बहुत बड़ी कमाल की बात है, जैसे मैं समर्पित हुआ और 1.5 साल तक घर गया ही नहीं, पिताजी को पत्र लिखता था, पिताजी मुश्किल से दुकान चलाता था, क्योंकि सब चीज़ें करना होता ना, खरीदारी करो, पैसा लेन देन, सब अकाउंट्स, गवर्नमेंट को अकाउंट देना, दुकान थोड़ा बड़ा दुकान था, पिताजी और भाई के साथ, भाई भी मदद करता था जो कपड़े दुकान, मिलके 1.5 साल तक चलाया। फिर 1.5 साल के बाद मैं घर गया, पिताजी को मिला, फिर सबसे मिला, वो लोग बोला आप इधर रुको, आपको जैसा चाहिए आप जीवन ऐसा बिताओ, आप क्यों जाते हो? नहीं नहीं, मेरा समर्पित भी हो गया, मेरा उधर जीवन भी हमने लिख के दे दिया भगवान के घर में, ऐसा बोल दिया। फिर भाई को बोला अभी दुकान बंद कर देना, वाइंड अप कर देना, जो भी पैसा आया बैंक में डाल देना, माताजी पिताजी जो भी उनका खर्च के लिए वो ये लोग यूज़ कर लेंगे, ऐसा बता के मैं रिटर्न मधुबन में आ गया। देखिए इतना कल्याण है मैं जो समर्पित होने में। मैं इधर आने के बाद पिताजी का जो बीज पहले बड़ा था वो जागृत हो गया, फिर ज्ञान में आया पिताजी, रोज़ सेंटर भी जाता था, माताजी पिताजी ज्ञान सरोवर में आया, 1 मास से इतना एंटी था पिताजी, 10 साल हमने पूरा सहन किया माताजी और मैं इधर समर्पित होने के बाद पिताजी फिर से ज्ञान में आया, फिर रोज़ वहाँ सेंटर जाना किया, फिर मधुबन में ज्ञान सरोवर में आया, 1 मास सेवा भी किया। इस प्रकार का देखिए हम हिम्मत का एक कदम रखते हैं, इतना कल्याण समाय हुआ होता है। जो परिवार, जो रिश्तेदार बोला, रिश्तेदार बहुत क्रिटिसाइज करते थे, बहुत हंसी मजाक भी करते थे, फ्रेंड्स सब, लेकिन अभी जब भी मैं घर जाता हूँ, परिवार और रिश्तेदार, हर रिश्तेदार से मिलता हूँ, फिर ज्ञान की लेन, वो लोग आपका भाग्य कितना अच्छा है, आपका जीवन कितना अच्छा है, महिमा भी करते हैं। इस प्रकार का पिताजी का भी कल्याण हो गया, 93 एज में पिताजी शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं लिया उन्होंने, थोड़ा समय में अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार का लौकिक रिश्तेदारों में भी इस प्रकार का कल्याण हुआ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोगों का कल्याण आपने किया। अब रामकृष्ण भाई जी, वर्तमान समय आपके बात पर विशेष, किस बात पर विशेष अटेंशन है और क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में हर चीज़ को नेचुरल लाने का प्रयास किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन अमृत वाला उठे तो नेचुरल उठे, मुरली सुने तो नेचुरल सुने, मना क्लास में जाएँ तो नेचुरल जाएँ। दूसरा, मैंने एक संकल्प लिया है जीवन में कि अगर किसी के लिए हमारा समर्थ संकल्प नहीं चलता है तो व्यर्थ भी नहीं चले, समर्थ नहीं तो व्यर्थ भी नहीं, यही मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। ओम शांति। सुरेश भाई जी, आप भी उसी क्वेश्चन को रिपीट करिए, वर्तमान समय क्या आपको पुरुषार्थ कर रहे हैं और क्या अटेंशन दे रहे हैं पुरुषार्थ के लिए? अभी वर्तमान समय में तो बहुत गाडली गिफ्ट समझिए, पूरा ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए पूरा समय मिल रहा है, सेवा तो निमित्त मात्र होता है, बाकी चारों सब्जेक्ट का अटेंशन रखता हूँ, अमृत वेला, जल्दी उठने का 3 बजे, और मुरली तो हमारा सेवा है ही, मुरली और दोबारा भी मुरली सुनता हूँ, फिर दोबारा दूसरे दिन का मुरली भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, योग में भी गहरी एकाग्रता के साथ योग में गहरा अनुभव करने का रोज़
अलग अलग ड्रिल का अभ्यास करता हूँ। योग में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, पूरा टेंशन है और कहीं भी गैप नहीं छोड़ता हूँ सारा दिन में, व्यर्थ आने के लिए गैप नहीं। अमृत वेला, फिर एक्सरसाइज, फिर मुरली क्लास, फिर सेवा, थोड़ा बहुत दूसरे डिपार्टमेंट में भी सेवा देते हल्का सा, फिर शाम का योग, फिर मुरली, इस प्रकार का एक दिनचर्या को सेट कर दिया है। ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार हम चलना ही है, इसमें हमारा कल्याण है। हम आत्मा भी बहुत संतुष्ट, खुशी की अनुभूति होती है और बाबा की साथ का अनुभव बहुत, हर समय बाबा मेरा साथ है, याद करना नहीं पड़े, बाबा मेरा साथ है, हर समय मेरे साथ चल रहा है, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रामकिशन भाई जी, लास्ट क्वेश्चन, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। ओम शांति। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मण जीवन को संघर्षमय न बनाएं, जीवन में संघर्ष आए उसका मोस्ट वेलकम, उनको हम फेस करें, अपने अनुसार सही निर्णय लें, पर जीवन संघर्षमय नहीं होना चाहिए, चाहे पवित्रता की हो चाहे किसी भी धारणा की हो। ओम शांति। सुरेश भाई, आप भी उसी बताइए कि विशेष क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं कोई। मैं यही बताना चाहूँगा, प्रेरणा मना सभी भाई बहने जानते ही है, बाबा की जो ईश्वरीय दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, संपूर्ण स्वस्थ जीवन पद्धति है, टोटल हेल्दी लाइफस्टाइल है। इसमें तन का भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, मन खुशी में हो, इस प्रकार का जीवन पद्धति अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज भी कराता हूँ प्लाजा में, इतना अच्छा लगता है, वो डिवाइन म्यूजिकल एक्सरसाइज है। हर एक भाई बहने कुछ ना कुछ जीवन में व्यायाम, प्राणायाम, आसन कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी हमारा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, तभी हम योग का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं, सेवा उमंग उत्साह से कर सकता है। जो डिवाइन म्यूजिकल एक्सरसाइज है उसमें तीन पावर्स है, डिवाइन परमात्म शक्ति है, म्यूजिक परमात्म गाना सुनते हुए हम म्यूजिक एक्सरसाइज करते हैं, और तो एक्सरसाइज में बॉडी को शक्ति मिलती है, ऐसा तीन हीलिंग पावर्स हम रोज अनुभव करते हैं। हमारा यही शुभ भावना है, हर एक अपना जीवन में अमृत वेला, एक्सरसाइज, मुरली क्लास, इस प्रकार का जीवन पद्धति जो बाबा ने सुंदर समय दिया है, समय को संपूर्ण रीति से सफल करें, जमा करें, जितना जमा कर सकते कंप्लीट जमा करने का एक शुभ भावना है। ओम शांति। हम दोनों भाइयों का ताली बजा कर धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए भाई लोगों ने। अब दो मिनट बाबा को याद करके अब यहीं समाप्त करते हैं।